हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू का किचन घर। आज हमारे किचन में बहुत ही टेस्टी सूजी की रेसिपी बन रही है। इडली तो आपने बहुत खाया होगा जिसे चावल और दाल से बनाते हैं, लेकिन आज मैं सूजी से बनाऊंगी और मैं मिनी इडली बनाऊंगी और मसाले वाली बनाऊंगी। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है, इसे बनाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। इसे 10 मिनट में आप तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। इस इडली की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें आपको ना भिगोना है, ना पीसना है और ना घंटों इंतज़ार करना है। आपको जब मन हो तब इसे 10 मिनट में बनाकर खा सकती हैं। ये मैं सूजी ले रही हूँ। सूजी को हमने कप से नाप के लिया है ताकि आपको भी इसकी क्वांटिटी पता चल जाए। हमने 2 कप सूजी लिया है। सूजी मोटी महीन कोई सा भी ले सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने 1/2 टीस्पून डाला है। और अब इसमें 1 कप दही डाल देंगे। दही बिल्कुल मीठा मत डालिएगा, 1 दिन पहले का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना हम सूजी लेते हैं उसका 1/2 दही ले लेंगे और अब इसको मिला लेंगे, क्योंकि इसमें पानी का भी यूज़ करेंगे। इसी कप से नाप के 1 कप पानी ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो और भी लूँगी। अब पानी को इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो इसमें गांठें नहीं पड़ेगी और सूजी अच्छी तरह से घुल जाएगा। ये इडली आप फटाफट बना के तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, कोई टाइम नहीं लगता है और खाने में हल्की भी बहुत होती है। ये तुरंत पच जाता है क्योंकि ये सिर्फ दही और सूजी से बनता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। पहले हमने 1 कप पानी लिया था, अब ये 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ। अब इसे फिर से मिला लेंगे। सूजी थोड़ा पानी भी ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से फेटेंगे तो इसमें सूजी पानी ऑब्जर्व करेगा तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अभी तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसे हम ढक के 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इसी तरह का बैटर होना चाहिए। अब 10 मिनट के बाद हमने कवर हटाया है तो देखिए सूजी पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसमें अभी थोड़ा सा और पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इडली बनाते हैं तो इतने गाढ़े घोल की इडली नहीं बनाते हैं। थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल 1/4 कप पानी डालेंगे और अब इसको फिर फेंट लेंगे। इडली बनाने के लिए अगर बैटर अच्छा होगा तो इडली भी आपकी बहुत अच्छी फुली फुली अच्छी बनेगी। अब ये देखिए हमने मिनी इडली स्टैंड लिया है। आज मैं मिनी इडली बनाऊंगी। मिनी इडली भी जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब इडली बनाते हैं तो इसमें किस किस ने मिनी इडली भी बनाया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप दाल चावल वाली बनाते हैं या सूजी की बनाते हैं प्लीज़ वो भी आप मुझे बताइएगा। अब सारे स्टैंड पे थोड़ा सा हमने घी लगा दिया है, इसे चिकना कर लेंगे। बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 बार घी लगा देंगे ये चिकना हो जाएगा। इससे इडली इसमें चिपकेगा नहीं, जब ये बन जाएगा तो आसानी से इसमें से निकल जाएगा। घी जरूरी नहीं है, आप तेल भी लगा सकते हैं। सारे को हमने तेल लगाकर चिकना कर लिया है। अब अपने बैटर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैटर सही होगा तो इडली भी बहुत अच्छी बनेगी। इसे चारों तरफ घुमाते हुए फेंट लेंगे। बैटर बहुत परफेक्ट है, अब इसमें हमें पानी मिलाने की और ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 1/4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल मिला देंगे। इससे इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। ये थोड़ा सा हमने खाने वाला मीठा सोडा दिया है, आप चाहें तो इनो भी दे सकते हैं। अब वापस से इन सबको हम फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, सिर्फ 3 से 4 बार इसे घुमाना है। बहुत ज़्यादा फेंट देंगे तो हमने इनो या खाने वाला मीठा सोडा जो भी डाला है वो अपना वर्क करना बंद कर देगा और इडली हमारे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये मिनी इडली बना रही हूँ तो इसके लिए छोटा चम्मच यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे खाने में अब इस इडली के बैटर को हम डाल देंगे। हमारे इस इडली स्टैंड में
चार प्लेट है, तीन प्लेट को तो हमने भर कर उसे लगा दिया है, अब ये लास्ट प्लेट है इसे भी हमने भर दिया है और इसे भी इस स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। हमने इडली बनाने वाले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर, दो गिलास करीब पानी हमने डाला है और गैस पे रख दिया, पानी बिल्कुल गर्म हो गया तो उसके अंदर हमने इडली स्टैंड को रख दी हूँ। अब इसे घड़ी देख के 10 से 12 मिनट से बनाऊंगी तो इडली हमारे बनके कंप्लीट हो जाएंगे। मिनी इडली बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने कुकर को खोल के देखा तो इडली बिल्कुल फुली फुली और बहुत अच्छी बन गई है। अगर आपके पास इडली बनाने वाला बर्तन नहीं हो तो कोई भी बड़ा बर्तन में आप इडली को बना सकती हैं। इडली बहुत अच्छी बनी है। अब किसी कपड़े से पकड़ के इसे हमने बाहर निकाल लिया है क्योंकि ये बिल्कुल गर्म हो जाता है। अभी आप देखिएगा इडली हमारी बहुत अच्छी बनी है। इसमें चाकू चम्मच कुछ नहीं लगाना है, बस आप हाथ से उठाते जाएंगे बस ये निकलती जाएगी। इसे निकालने में कोई मेहनत नहीं है, फटाफट ये निकल रही है। इस इडली को आप चाहें तो केवल ऐसे ही चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैं मसाले वाली इडली बनाऊंगी, वो खाने में बहुत टेस्टी है, उसके साथ आपको सॉस चटनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसे मसाला इडली बनाना शुरू करते हैं। मसाला इडली बनाने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल गर्म हो गया तो उसमें सरसों का दाना सफ़ेद तेल डाल देंगे और ये थोड़ा सा हरा मिर्च कटा हुआ डाल देंगे और ये करी पत्ता को डाल देंगे और सबको फिर से मिला लेंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगा। सब इसमें थोड़ा हरा चटनी, टमाटो सॉस और ये चिली सॉस है और ये शेजवान चटनी है, सबको डाल देंगे और अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला इडली का नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए बना रही है तो मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा कम डाल दीजिएगा और देखिए ये बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा हमने ओरिगेनो डाल दिया है, ओरिगेनो से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है। और अब इसके अंदर बना हुआ इडली डाल देंगे। अगर आपने बड़ा इडली बनाया है तो उसे चाकू से पीस पीस काट के डाल दीजिएगा। अब सबको मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला सारी इडली पे लग जाए। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।